हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल ऑफ अन अकेडमी। इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम्स, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए जल्दी से जल्दी और गेट 10% डिस्काउंट आफ्टर अप्लाइंग माई कोड NB01। NB01 इज माई कोड। ओके, लेट्स मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट। राइट, वेलकम टू माई क्लास एवरीवन। मेरा नाम है नेहा बंसल, आई एम योर साइंस एजुकेटर। मैंने BSc किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, BEd, NTTN, PTT भी मैंने किया हुआ है। 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का और आप जैसे 4000 से भी ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटर किया हुआ है। ओके, आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन क्या होता है बेटा? सेपरेशन मतलब किसी भी मिक्सचर से चीज़ों को अलग करना। जैसे कोई भी अगर मिक्सचर होता है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का बना होता है, तो उसको उससे अलग करना, उनको डिवाइड कर देना, अलग अलग कर देना। चाहे उसमें से अगर मान लीजिए कोई मिक्सचर है जो 4 चीज़ों का बना हुआ है, 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ है, तो उसमें से हमने किसी एक कंपोनेंट को अलग कर दिया, चाहे वो कंपोनेंट किसी भी वजह से हमने उसको अलग किया हो, चाहे वो हमारे लिए यूज़ का नहीं है या जो भी है, एक्स वाई जेड रीज़न कुछ भी है, बट जो हम उनको मिक्सचर में से जो सब्सटेंसेस को अलग करते हैं उसे कहते हैं सेपरेशन। सेपरेशन मतलब उससे उसको अलग कर देना, ठीक है, सेपरेट कर देना। तो अब हम आगे इस चैप्टर में पूरा ये समझेंगे कि हम सब्सटेंसेस को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंटेंट्स डिस्कस करने वाले हैं? मेथड्स ऑफ सेपरेशन, दैट इज थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डीकैंटेशन, लोडिंग, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। ये सारे जितने भी मेथड्स हैं सेपरेशन के, ये मैं आपको आज डिटेल में सारा समझाऊंगी कि किस किस तरह से हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं एक मिक्सचर में से। एंड सेकेंड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। ओके, सो लेट्स मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। दिस इज चर्निंग मिल्क और कर्ड। बेटा कभी आपने पुराने टाइम में कोई मूवीज में या मे बी विलेजेस में कभी देखा हो, ऐसे ऐसे करके दूध को, दही को चर्न करते हैं, इस तरह से ऐसे इसको चलाते हैं। अगर आप देखेंगे ये एक पॉट होता है, ठीक है, पॉट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है अंदर, और ये रोप्स होती हैं, तो दो रोप्स के थ्रू ऐसे पकड़ी जाती है, इसके ऊपर बंधी होती हैं, तो ये ऐसे आगे पीछे इस तरह से इसको चर्न करते हैं। राइट, और चर्न करके हमें क्या मिलता है? बटर एंड बटर मिल्क। उसमें से क्या सब्सटेंस, उस मिक्सचर में से क्या सेपरेट होता है? बटर एंड बटर मिल्क, दो सेपरेशंस हो जाती हैं, दो सब्सटेंसेस की उस मिक्सचर में से सेपरेशन हो जाती है। बटर ऑब्वियसली खाने के काम आता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है बटर, आप बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। एंड बटर मिल्क इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्दी, जिसे हम छाछ कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है पीने में। राइट, तो ये दोनों मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। अगर आपने ऐसे अगर विलेजेस में नहीं देखा होगा तो कभी कृष्ण जी की फोटो या कोई ऐसा मूवी देखी होगी जहाँ पे उनकी जो मदर थी यशोदा, वो ऐसे करके उनके लिए मक्खन निकालती थी, ठीक है, वो मक्खन खाते थे ना, तो इस तरह से मक्खन निकाला जाता था पहले के टाइम पे। और आज के टाइम में तो बेटा सब काम ज़्यादातर मशीन से ही होते हैं। राइट, बट विलेजेस में अभी भी ये चीज़ें यूज होती हैं, इन सम ऑफ द विलेजेस। ओके, अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जो एक मिक्सचर होता है वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से बना होता है। ओके, तभी वो मिक्सचर कहलाता है। राइट, तो द प्योर सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंसेस उस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उस मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स, चाहे वो दो हों, दो से ज़्यादा हों, 5 हो 10 हो, जितने भी हों उस मिक्सचर के अंदर जो भी सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो उसके कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं। ओके, अ मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस होता है और हेटरोजीनियस होता है। अभी मैं आगे समझाऊंगी कि होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस में क्या डिफरेंस है। राइट, होमोजीनियस मिक्सचर,
इट इज अ मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब एक जैसे तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज़ द सेम प्रॉपर्टी. और मिक्सचर के हर पार्ट की, हर कॉम्पोनेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, राइट? तभी वो उसमें पूरा मिक्स हो जाता है अच्छे से, ठीक है? जैसे सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, नमक जो है वो पानी में घुल जाता है, तो उसकी जो दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके मिक्सचर की, वो सेम होती है और वो यूनिफॉर्मली बहुत ही अच्छी तरीके से एक जैसा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है? इसीलिए वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, राइट? शुगर एंड वाटर सॉल्यूशंस, आपने आपको पता है कि पानी में चीनी भी अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है, राइट? तो हेयर वाटर इज अ सॉल्वेंट. वाटर को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट. क्योंकि जिस चीज में कोई एक कंपोनेंट घोला जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट. ओके, जिस चीज को घोला जाता है जैसे शुगर या सॉल्ट, तो वो क्या होगा? सॉल्यूट. एंड जो उससे सॉल्यूशन रेडी होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. जो उससे, जैसे शुगर एंड वाटर को जब हमने मिक्स किया तो शुगर सॉल्यूशन मिला, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट जिसमें घोला जा रहा है, सॉल्यूट जिस चीज को घोला जा रहा है, और जो हमें मिल रहा है मिक्सचर वो क्या हुआ? उसका सॉल्यूशन, राइट? हेयर एयर इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर. एयर में भी सब्सटेंसेस जो है वो इजीली, एयर आपस में दो तीन एयर्स जो है वो मिक्स हो जाती है ना गैसेस, तो एयर इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर. हेटरोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट गेट मिक्सड यूनिफॉर्मली एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ये मिक्सचर ऐसा है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली एक तरह से, एक जैसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं उस मिक्सचर में, और हर मिक्सचर की अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी होती है, तभी वो एक साथ पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है? सैंड एंड सॉडस्ट, वाटर एंड ऑयल, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होती है, राइट? चॉक इन वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, लाइक दिस इज सैंड. सैंड को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये नीचे जो है वो सैंड नीचे डिपॉजिट हो जाएगी और ऊपर वाटर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हेटरोजीनियस मिक्सचर है. क्यों? क्योंकि इनकी, इन दोनों जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हैं. ओके, सो होमोजीनियस जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और हेटरोजीनियस जो इनके मिक्सचर्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी अलग होती है, राइट? रीजंस फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स. इनका रीजन क्या होता है बेटा? हमें क्यों इन मिक्सचर्स को इनके अपने अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट करना है? द मिक्सचर्स आर सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स फॉर वेरियस पर्पसेस. इसके कुछ रीजंस होते हैं बेटा, इस वजह से हमें उन मिक्सचर्स को सेपरेट करना जरूरी है उनके कंपोनेंट्स से, राइट? टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस. कभी आपने देखा होगा वीट, राइस या पल्सेस में, जैसे आपकी मम्मा भी अगर उनको क्लीन करती होगी तो उसमें कुछ जर्म्स, कोई इंसेक्ट्स या इस तरह के एक कुछ ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं. मे बी अगर वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं तो शायद हमारे डाइजेशन को ख़राब कर सकते हैं या हमारे लिए किसी भी तरह से एलर्जिक या हार्मफुल हो सकते हैं. ओके, तो उसको हमें उस मिक्सचर में से रिमूव करना ज़रूरी है. पेस्ट होते हैं बेटा, वो पेस्ट होते हैं. पेस्टिसाइड्स के बावजूद भी काफ़ी बारी पेस्ट आ जाते हैं इन सब ग्रेन्स में. ओके, तो उनको रिमूव करना इन ग्रेन्स से बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेस्ट भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, राइट? To obtain useful components, crude petroleum से बेटा हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? Crude petroleum से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है? तो crude petroleum को हमें क्या करना ज़रूरी है? हमें सेपरेट करना ज़रूरी है उसके components में, राइट? To remove undesirable substances like tea leaves. Tea leaves क्या होता है बेटा? जैसे चाय बनाते हैं, ठीक है? तो जब चाय बना दी उसके अंदर टी लीव्स, शुगर, पानी, दूध सब कुछ डाल दिया, राइट? अब उसके बाद मम्मा क्या करती है आपकी? उसको स्ट्रेन कर देती है, सारा छान देती है. क्यों छानते हैं? क्योंकि वो जो टी लीव्स हैं वो तो हम पी नहीं सकते हैं ना चाय के साथ, है ना? वो तो हम नहीं पी सकते हैं. शुगर जो है वो डिजॉल्व हो गई, मिल्क जो है वो भी पानी में मिक्स हो गया. अब बचा क्या उसके अंदर? टी लीव्स.
जो उसके अंदर डिजोल्व नहीं हुई, तो उसको हम स्ट्रेन करके, हम छान के टी लीव्स को अलग कर देते हैं बिकॉज अब उसकी ज़रूरत उसमें से नहीं है। तो इसीलिए हमें उस मिक्सचर में से, चाय का जो पूरा मिक्सचर था उसमें से हमें टी लीव्स को हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया बिकॉज उसकी नीड हमें नहीं थी। तो वो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस था उस टाइम, पीने के लिए हमें चाय टी लीव्स की ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो उसकी डिज़ायर हमें नहीं थी, राइट। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मेथड्स क्या है बेटा मिक्सचर को सेपरेट करने के, मैनी ऑफ द मटीरियल्स अराउंड अस आर मिक्सचर्स, हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, एक मिक्सचर हैं, दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट से वो बनी हुई हैं। ओके, सो वेन वी वॉन्ट टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, जब हम किसी भी मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए चाहते हैं, तो वी शुड फर्स्ट फाइंड आउट सम प्रॉपर्टीज विच वुड बी डिफरेंट और फॉर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के लिए बेटा अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, ठीक है। तो हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मिक्सचर है और जिसके जो में उस मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स जो जो हैं उसमें, तो उसमें ऐसी क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम उनको सेपरेट कर पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी के कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, और हम किसी और तरीके से उसको सेपरेट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। सारे ही जो सेपरेशंस हैं वो स्ट्रेनर से नहीं होते हैं बेटा, जैसे हमने टी लीव्स को अलग कर दिया उससे, तो लेकिन बाकी सेपरेशंस हम उससे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम आयरन फिलिंग्स को कैसे, हम आयरन फिलिंग्स को अगर किसी में मिक्स हो रखे हैं, लोहे का जो आयरन फिलिंग्स होते हैं वो अगर किसी चीज़ में मान लीजिए मिक्स हो रखी हैं, तो हम उसको स्ट्रेन करके थोड़ी ना कर सकते हैं, नहीं बेटा। तो हर चीज़ का, हर एक की प्रॉपर्टी अपनी कॉम्पोनेंट्स की अपनी होती है, अलग होती है, तो उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली ही हमें ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि वो किस प्रोसेस से वो मिक्सचर जो है वो सेपरेट होएगा। जैसे सम ऑफ द मेथड्स आर, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था जो हम डिस्कस करने वाले हैं, थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। इन सब मेथड्स को अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थ्रेशिंग, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस इन विच स्टॉक्स ऑफ बीट एंड पैडी, पैडी क्या होता है बेटा, राइस होता है, स्टॉक्स क्या होती है, एक स्टेम, ठीक है, उनकी जो लंबी स्टेम होती है वर्टिकल, ओके, आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स, उन स्टेम को जब हम बीट करते हैं, ठीक है, ग्रेन्स अलग निकालने के लिए फ्रॉम द स्टॉक्स, उन स्टॉक्स में से ग्रेन्स जो हैं, जो वीट, राइस या और भी जो ग्रेन्स हैं, उन स्टॉक्स में से वो अलग हो जाएं, ठीक है, एंड फ्रॉम द शाफ्ट दैट कवर्स द ग्रेन, एक शाफ्ट क्या होता है, भूसा जैसा होता है, वो ग्रेन्स को कवर करता है, ठीक है, तो वो भी उससे अलग हो जाए, जिसे हम धान भी कहते हैं, तो वो भी उससे अलग हो जाए, तो उसके लिए हम थ्रेशिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। थ्रेशिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग थ्री वेज, बाय बीटिंग द स्टॉक्स विद स्टिक्स ऑन द ग्राउंड, स्टिक्स से ग्राउंड पे, जमीन पे स्टिक्स मार मार के भी क्या कर सकते हैं, हम उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स मतलब मैंने अभी बताया स्टेम, जो स्टेम पार्ट होता है, ठीक है। बाय अलाउइंग एनिमल्स लाइक बुलक्स टू ट्रैम्पल द स्टॉक्स, एनिमल्स से भी स्टॉक्स को ग्रेन से अलग किया जा सकता है। एंड बाय यूजिंग मशीन्स, दिस इज वेरी सिंपल, मशीन्स तो बेटा आपको पता आजकल सारी ही जगह यूज होती है, तो मशीन से भी ये काम, थ्रेशिंग का प्रोसेस होता है। जैसे दिस इज बीटिंग, बीटिंग बाय अ रॉड, ओके, स्टॉक को देखो बीट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ग्रेन्स जो है वो नीचे गिर रहे हैं और बाकी जो स्टॉक है वो उसके हाथ में रह जाएगा, राइट। एंड दिस इज द प्रोसेस बाय एनिमल्स, बुलक्स, ओके। सो नेक्स्ट इज विनोइंग, विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड्स। विनोइंग क्या है, हस्क को ग्रेन से, जैसे भूसा, उसको ग्रेन्स से, जो ग्रेन्स जो हमारे यूजफुल ग्रेन्स होते हैं, वीट, राइस, ठीक है, और भी जो ग्रेन्स होते हैं, उनको हस्क से अलग करना विद द हेल्प ऑफ विंड्स, हवा के हेल्प से, विंड्स की हेल्प से उनको अलग करना, उससे सेपरेट करना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोइंग, ओके। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हस्क इज वेरी लाइट। ये मेथड क्यों यूजफुल है, क्योंकि हस्क जो होता है ना वो ग्रेन से बहुत हल्का होता है बेटा, भूसा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है वेट में, तो वो क्या होता है कि जब, वेयर एज वीट ग्रेन्स आर कंपैरेटिवली हैवी, जो वीट ग्रेन्स होते हैं उसके कंपेयर में वो बहुत हैवी होते हैं, उसके कंपेयर में,
ठीक है, वीट ग्रेन्स होते हैं तो बेटा छोटे से हैं, बट उसका जो हस्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, राइट? सो इट इज़ डन बाय यूजिंग अ विनोइंग बास्केट. एक विनोइंग बास्केट होती है बेटा, जिसको हम कहते हैं छाछ, ठीक है. तो वो ऐसे 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 करते हैं, उससे क्या होता है, ग्रेन्स तो उसमें रह जाते हैं और जो उसका हस्क होता है ना, वो विंड की हेल्प से क्या होता है, वो उड़ के नीचे गिरता रहता है, ठीक है. सो हस्क इज अ यूजफुल कॉम्पोनेंट, इट इज यूज्ड एज फॉडर. हस्क जो है वो वेस्ट कॉम्पोनेंट नहीं है बेटा, वो भी यूजफुल है. वो किस लिए यूज होता है, एनिमल्स के फॉडर के लिए, उनके खाने के लिए वो भूसा जो है वो यूज होता है. जैसे जो बफेलोज होते हैं, काव होते हैं, उनके फॉडर, उनकी फूड बनता है वो हस्क, ठीक है. तो हस्क भी काम आता है और ग्रेन्स तो काम आते ही आते हैं, राइट बेटा. इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया ना इस पिक्चर में, इस तरह से ऊपर खड़े होके थोड़ा, तो विंड से क्या होता है, ग्रेन्स जो है वो नीचे गिरते रहते हैं और जो हस्क है वो विंड से दूर गिरता रहता है, ठीक है. वो उड़ जाता है हवा की वजह से. और इस पिक्चर में आप देखेंगे ये होता है हस्क, ओके. सो ये हस्क जो होता है ये फॉडर फॉर एनिमल्स होता है, फूड फॉर एनिमल्स, ठीक है. एनिमल्स के खाने के ये काम आता है, राइट. दिस इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, ओके. हैंड पिकिंग, नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग. अच्छा, कभी आपने अपनी मम्मी को देखा है राइस लिए है और वो हाथ से कुछ निकाल रहे हैं ऐसे ऐसे करके पेस्ट उसके अंदर से, दैट इज हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग वो भी होता है बेटा. द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज यूजुअली यूज्ड टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस. हैंड पिकिंग क्यों यूज होता है, ये मेथड किस लिए काम आता है, कि जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं हमारे, जो हमें सब्सटेंसेस अपने फूड में नहीं चाहिए या किसी भी चीज़ में वो नहीं चाहिए, वो अनडिजायरेबल है, तो उसे हम हाथों से क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं. जैसे सम पीसेज ऑफ स्टोन्स, जैसे वीट और ग्रेन्स में क्या होता है, थोड़े थोड़े पत्थर भी आ जाते हैं बेटा, वो तो नेचुरल है. स्टोन्स हमारे अर्थ पे हैं तो वो नेचुरल होता है कि उनमें से मिट्टी स्टोन्स आ जाते हैं, ठीक है. फ्रॉम वीट एंड राइस एंड पल्सेस, तो वो स्टोन्स हमें निकालना ज़रूरी है ना, हम उन स्टोन्स को ग्राइंड करके खा तो नहीं सकते हैं, राइट. सो दिस मेथड इज यूज इन थ्री सिचुएशंस में ये मेथड यूज़ किया जाता है. किस किस में, द क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर इज नॉट वेरी लार्ज, क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज नॉट वेरी लार्ज, जो क्वांटिटी है मिक्सचर की वो बहुत ज़्यादा नहीं है. अब ऐसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी, मान लीजिए टन्स में वो है वीट और ग्रेन्स, तो हाथों से नहीं निकाल सकते बेटा इतना सारा केजीज, ठीक है ना, 1000 kgs, 2000 kgs, इतना सारा कैसे हम हाथों से उसको निकालते रहेंगे, नहीं. The undesirable substances differ from the useful ones in shape, size and color. ये तो बहुत ही ज़्यादा important है. जो undesirable substance हमें उस चीज़ में से, mixture में से अलग करने, हम मान लीजिए हमें wheat में से stones और pest को निकालना है, ठीक है. तो लेकिन अगर वो भी stones और pest जो है वो wheat के जैसे ही होंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उनको अलग करना. तो उनकी शेप, साइज और कलर ऑब्वियसली बात है वो डिफरेंट होना चाहिए जिस चीज़ को हमें निकालना है और जिस चीज़ को हमें रखना है उससे, वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए. जब डिफरेंट होंगे तभी वो इजी होता है हाथों से उनको चुनना, निकालना, ठीक है, पिकिंग, ओके. सो द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है. जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं वो भी बेटा कम क्वांटिटी में होने चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होंगे, बहुत ज़्यादा स्टोन और बहुत ज़्यादा पेस्ट और सब कुछ होंगे उसके अंदर और ग्रेन्स जो हैं वो कम होंगे, तो सोचो इसमें बहुत ज़्यादा, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है उस तरह से, ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मा ने पोहा बनाया है, राइट, या राइस बनाए हैं, ओके, पीस वाले राइस बनाए हैं. अब आपको पीस नहीं पसंद, आपको पीस उसमें नहीं खाना है, बल्कि मैं कहती हूँ खाना चाहिए, हर एक चीज़ खानी चाहिए, ठीक है. आपको पोहे में ग्रीन चिलीज नहीं खानी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसको, वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है आपके लिए, आप उसको नहीं चाहते हो खाना, ठीक है, तो वो अनडिजायरेबल, तो आप क्या करेंगे, हैंड से, विद द हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है, या स्पून, स्पून भी तो हैंड से ही यूज करोगे ना, विद द हेल्प ऑफ स्पून और हैंड आप उसको क्या करोगे, अपने फूड में से सेपरेट कर दोगे, अलग कर दोगे, तो दैट इज हैंड पिकिंग, ओके. नाउ आई थिंक you have clearly understand this point, okay, ki hand picking kya hota hai, right, okay. So this is hand picking example, dekho ye aise karke grains mein se jo stones hai, pebbles hai ya pest hai unko nikal rahe hai, right, jaise ye rice mein se, okay.
सीविंग. सीविंग क्या होता है बेटा? सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट दोज सॉलिड मिक्सचर्स विच हैव कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. सीविंग जो है उन सॉलिड मिक्सचर्स को सेपरेट करता है जिनके कॉम्पोनेंट्स जो है वो अलग अलग साइज के होते हैं. ओके, मिक्सचर मैंने आपको बताया कॉम्पोनेंट से बनता है. अब उसके दो या दो से ज़्यादा जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनके साइजेस अलग होते हैं, तब सीविंग का प्रोसेस यूज किया जाता है. ओके, द मिक्सचर द मिक्सचर हैविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज पुट इन अ सीव एंड द सीव इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ कॉन्टिन्यूसली. मिक्सचर्स जो हैं वो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के, उनको क्या करते हैं, एक सीव में रख देते हैं, अलग अलग साइजेस के जो मिक्सचर हैं पूरे को, ठीक है, और उस सीव को बैक एंड फोर्थ कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, आगे पीछे, ठीक है. सो द सीविंग ऑफ फ्लोर इज डन टू रिमूव द कोर्स पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर फ्रॉम इट. तो सीविंग, फ्लोर की सीविंग, फ्लोर मतलब जो आटा होता है ना, जो हमें आटा अवेलेबल होता है वीट से. ओके, द सीविंग ऑफ फ्लोर इज डन टू रिमूव द कोर्स पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर फ्रॉम इट सो एज टू ऑब्टेन फाइन फ्लोर फॉर मेकिंग चपातीज. सीविंग क्यों करी जाती है? सीविंग मैंने आपको बताया ना, इसे आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है. तो सीविंग क्यों करी जाती है? जो कोर्स पार्टिकल्स हैं, जो थोड़े मोटे पार्टिकल्स उस फ्लोर में रह गए हैं, उस आटे में रह गए हैं, उससे उसको क्या करना है, फाइन फ्लोर को हमें सेपरेट करना है ताकि हम जो अपनी चपातीज बनाए वो बहुत ही अच्छी बने. ओके, सो दिस इज हाउ सीविंग इज डन. कभी आपने अपनी मम्मा को देखा भी होगा आटा छानते हुए, जिसे हम कहते हैं छानना, राइट. ऐसे ऐसे करके वो छोटी सी छन्नी होती है और हम ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों से भी, और नहीं तो बैक एंड फोर्थ ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव करके भी हम उसको आटे को छानते हैं, ठीक है. तो उससे क्या होता है, जो मोटा मोटा आटा होता है, जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं उसके, वो सेपरेट हो जाते हैं और फाइन फ्लोर हमें मिल जाता है ताकि हमारी चपातीज जो है वो बहुत अच्छी बन सके, राइट. दीज आर सीव, इसको हम सीव कहते हैं, जिसे हम छन्नी बोलते हैं ना, ये दिस इज सीव और ये भी सीव होती है, राइट. मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक सेपरेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर बाई यूजिंग अ मैग्नेट. इतना तो बेटा हेडिंग से ही समझ में आ गया कि सेपरेशन, उन मिक्सचर्स को सेपरेशन करना है किसके यूज से, मैग्नेट के यूज, ठीक है. मैग्नेट को यूज करके मिक्सचर्स में से कॉम्पोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है, राइट. दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज यूज टू सेपरेट इट फ्रॉम अ मिक्सचर. प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, लोहा जो होता है वो मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है. आयरन जो है वो मैग्नेट पे जाके चिपक जाता है. कभी आपने मैग्नेट का खेल भी खेला होगा, जो अलमीराज होती हैं, ठीक है, आयरन की होती हैं, उसमें हम मैग्नेट चिपका देते हैं, है ना. हम, मैं तो बहुत खेलती थी जब छोटी थी, मेरे पास एक मैग्नेट था, उसको हम खेलते रहते थे ऐसे ही. नेल्स होती थी, आयरन नेल्स, उनको सारा ऐसे करके ना चिपका लेते थे. वो ऐसा राउंड मैग्नेट था मेरे पास और उस पे ना आयरन नेल्स को हम ऐसे चिपका लेते थे, तो वो अट्रैक्ट होती है उससे, ठीक है. अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, बेटा सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे, थ्रू मैग्नेटिक सेपरेशन. जब हम उसमें मैग्नेट को, अगर हम मैग्नेट को रखेंगे तो जो आयरन फिलिंग्स है वो सारी क्या होंगी, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी और सल्फर पाउडर नीचे रह जाएगा. तो ये दोनों मिक्सचर का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा और बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है. दिस इज बिकॉज आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट वेयर एज सल्फर इज नॉट. ऑब्वियसली बेटा सल्फर जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, बट आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो आयरन फिलिंग्स भी होंगी. तो सल्फर और आयरन फिलिंग्स की क्या हो जाएगी, सेपरेशन पॉसिबल हो जाएगी. देखो बेटा इस वाले पिक्चर में हम देख सकते हैं, देखो कैसे ये मैग्नेट जो है वो सल्फर पाउडर से, ये मैग्नेट की आयरन, ये आयरन फिलिंग्स है, ये मैग्नेट है, दिस इज आयरन फिलिंग्स एंड दीज आर सल्फर पाउडर. तो ये जो है आयरन जो है वो मैग्नेट से इधर अट्रैक्ट हो रहा है ना, और इस तरह से ये निकल जाएगा सारा, राइट. जैसे दिस इज सल्फर पाउडर, आयरन फिलिंग्स, मैग्नेट से क्या होगा, अगर इनका जो मिक्सचर है वो मैग्नेट से क्या होगा, अट्रैक्ट होके आयरन फिलिंग्स जो है वो,
आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट पे आ जाएंगी और सल्फर पाउडर जो है वो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सल्फर. ओके ओके नेक्स्ट इज डीकेंटेशन. डीकेंटेशन क्या प्रोसेस है बेटा, द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसोल्यूबल इन अ लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डीकेंटेशन. जो सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में, ठीक है, जैसे वाटर ही ले लो या कोई भी लिक्विड हो, उसमें वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो उनको जो इनसोल्यूबल होते हैं मतलब वो मिक्स नहीं हो पाएंगे, उनको हम किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, डीकेंटेशन से. ओके, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर. मैंने अभी पहले भी बताया था आपको मिक्सचर्स जो होते हैं, तो सैंड एंड वाटर का मिक्सचर जो है वो क्या है, हेटरोजीनियस, राइट, क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व नहीं होता है. तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें से कैसे करेंगे वो अभी आगे बताती हूँ. कंटेन सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर. ओके, सैंड एंड वाटर के मिक्सचर में क्या होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में मिले हुए होते हैं. सो सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड वाटर मिक्सचर. सैंड को हम सैंड वाटर मिक्सचर में से कैसे सेपरेट करेंगे, बाय द मेथड ऑफ डीकेंटेशन. ओके, दिस प्रोसेस इज यूज इन आवर डेली लाइफ. ये प्रोसेस जो है ज़्यादातर हमारी डेली लाइफ में यूज किया ही जाता है, हम मिट्टी को पानी में से अलग करते ही हैं, ज़्यादातर करते हैं. दिस प्रोसेस कैन बी यूज फॉर सेपरेशन ओनली वेन द सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन द लिक्विड. अच्छा, ये प्रोसेस बेटा जब ही यूज किया जाता है जब जो सॉलिड, जैसे सैंड जो है वो सॉलिड है और वाटर जो है वो लिक्विड है यहाँ पे, तो सैंड जो है वो, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व पूरी तरह से नहीं होते हैं, तभी इस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं. ओके, डीकेंटेशन क्या होता है बेटा, देखो इस तरह से हम डीकेंटेशन करते हैं. कभी जैसे मम्मा अगर आपकी वेजिटेबल्स वॉश करती हैं, या जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, एक बोल में, बड़े बिग बोल में पानी लेते हैं और उसमें वो लीव्स डाल देते हैं. ठीक है, अब वो लीव्स हम निकाल देते हैं तो नीचे क्या बैठ जाता है, उसमें नीचे सैंड, ऊपर पानी रह जाता है. जब हम उस पानी को भी निकाल देंगे तो वो सैंड हमें अलग मिल जाएगी, उस सैंड को भी हम क्लीन कर सकते हैं. तो इसी तरह से बेटा सैंड जो है वो नीचे यहाँ पे बैठी हुई है, ऊपर जो है वो हमें वाटर, प्योर वाटर मिल गया है, तो इस लिक्विड को हम इजीली अलग कर सकते हैं, राइट. लोडिंग, लोडिंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस. लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच एलम पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड ऑन सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स. एलम क्या होता है बेटा, फिटकरी. एलम क्या होता है, फिटकरी, व्हाइट कलर की होती है ये, ठीक है, कभी देखा पता नहीं आप लोगों ने, शायद नहीं देखा होगा, व्हाइट कलर की होती है, उसको हम एलम कहते हैं. ठीक है, सो लोडिंग क्या प्रोसेस है, एलम पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स जो है वो एलम पार्टिकल्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है, जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो एलम पार्टिकल्स के ऊपर जम जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ऑफ मडी वाटर, मिट्टी वाले पानी के जो क्ले पार्टिकल्स हैं. ठीक है, टू मेक देम हैवी एंड सेटल डाउन रैपिडली. तो जो मिट्टी वाला पानी है उसमें क्या होगा, अगर हम एलम को डालेंगे तो उसमें जो एलम पार्टिकल्स हैं उसके अंदर वो मड पार्टिकल्स जो है वो अटैच हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो वो मड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं. हैवी होने की वजह से वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, वो सिंक कर जाएंगे, फ्लोट नहीं करेंगे, तो उससे हम पानी को और मड को अलग कर सकते हैं, राइट. लोडिंग इज डन बाय यूजिंग अ पीस ऑफ एलम. एलम का पीस यूज करके ही लोडिंग का प्रोसेस किया जा सकता है. ओके, विदाउट एलम लोडिंग हम नहीं कर सकते हैं. लोडिंग हेल्प्स द सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स टू सेटल डाउन रैपिडली. लोडिंग क्या हेल्प करता है, जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनको जल्दी से नीचे बैठ जाने में हेल्प करता है. देखो बेटा, जैसे ये है एलम, ठीक है, इसको एक उससे बांध दिया हमने स्ट्रिंग से, इस एलम को हम ऐसे 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 ना घुमाएंगे सर्कुलर मोशंस में, ऐसे ऐसे हम बीकर में घुमाते हैं, जिस बीकर में मड सॉल्यूशन है, मड विद वाटर मिक्स है, राइट, दिस इज मडी वाटर. ओके, सो इसको जब हम घुमाएंगे तो एलम के पार्टिकल्स जो हैं वो मड के पार्टिकल्स जो हैं वो एलम के पार्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे. डिपॉजिट होते ही वो क्या होगा, हैवी हो जाएंगे. हैवी होते ही वो क्या करेंगे, सिंक कर जाएंगे. तो ये मड अलग हो जाएगी और ये वाटर अलग हो जाएगा. ठीक है, मड जो है वो नीचे बैठ जाएगी एलम पार्टिकल्स के साथ और वाटर जो है वो ऊपर क्लीन हो जाएगा और वो फ्लोट कर. ओके,
फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड. फिल्ट्रेशन किस लिए यूज किया जाता है? जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हुए हैं, सॉल्युबल नहीं है, उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है. अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. सैंड एंड वाटर का मिक्सचर जो है वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से भी सेपरेट किया जा सकता है. इन एवरीडे लाइफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर्स आर यूज्ड. हमारे रोज के जो हमारे डेली जो हमारे रूटीन्स है उसमें भी बहुत तरह तरह के फिल्टर्स हम यूज करते हैं. जैसे अ पीस ऑफ मसलिन क्लोथ, क्लोथ का पीस भी हम काफ़ी चीज़ें फिल्टर करने के लिए, जैसे अगर मम्मी अगर आपकी कभी पनीर बनाती होंगी, ठीक है, तो पनीर का जो है जैसे जब वो दूध हम फाड़ देते हैं तो पनीर जो है वो अलग हो जाता है चीज़ और पानी अलग रह जाता है, तो उसको एक मसलिन क्लोथ के थ्रू हम छान देते हैं उस पानी को ताकि पनीर जो है वो हमें अवेलेबल हो जाए, राइट, चीज़ हमें क्लोथ के ऊपर आ जाए, ठीक है. स्ट्रेनर, छन्नी जिसे अभी मैंने बताया था, जैसे हम चाय छानने के लिए छन्नी यूज़ करते हैं और हम जो आटा छानने के लिए छन्नी यूज़ करते हैं, दीज आर स्ट्रेनर्स, ओके. आटा तो लिक्विड नहीं हुआ ना, चाय वगैरह वो सब छानने के लिए जो हम छन्नी यूज़ करते हैं, राइट. अ पीस ऑफ कॉटन. वायर मेश, अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. कोई भी दो लिक्विड का जो वो है सेपरेशन वो फिल्ट्रेशन के थ्रू प्रोसेस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल नहीं है. कोई भी दो लिक्विड्स को फिल्ट्रेशन अलग नहीं कर सकता है, ठीक है. किसको अलग कर सकता है फिल्ट्रेशन? एक सॉलिड और एक लिक्विड जब मिलते हैं तो उनको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं, राइट. फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव एनी सॉलिड सब्सटेंस विच आर डिसॉल्वड इन अ लिक्विड. और हाँ बेटा, फिल्ट्रेशन जो है कोई ऐसे सॉलिड सब्सटेंस को भी अलग नहीं कर सकता है जो पानी में डिसॉल्व हो गया है, ठीक है. जैसे चाय का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम किस सॉलिड पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं, किस सॉलिड कंपोनेंट को हम हटा रहे हैं चाय में से? टी लीव्स को, राइट. टी लीव्स को हम हटा रहे हैं क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हुई हैं, ठीक है. लेकिन हम शुगर को वाटर में से, चाय में से, टी में से शुगर को हम नहीं रिमूव कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो शुगर जो है वो उस मिक्सचर में डिसॉल्व हो चुकी है, ओके. तो जो पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में उन्हें ही हम अलग कर सकते हैं. और हाँ, चाय में देखो, मिल्क और जो पानी है, दूध और पानी, उसको भी हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते बिकॉज दे बोथ आर लिक्विड्स. वो दोनों लिक्विड्स हैं, तो दो लिक्विड को भी हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं और उस सॉलिड और लिक्विड को भी नहीं कर सकते हैं जो आपस में डिसॉल्व हो चुके हैं, राइट. So this is a beaker, containing a mixture. ये mixture है बेटा, ये filter paper होता है जहाँ से filter किया जाता है. ये एक funnel के through ये जो residue है, जो mud है या जो भी चीज़ है जिसको हमने filter करना है, वो ऐसे जो filter paper है उसमें इकट्ठा हो जाता है और नीचे हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे? पानी, filtrate, ठीक है, क्लीन वाटर मिल जाता है. ये फिल्टर हो गया और जो हमें चाहिए फिल्ट्रेट वो हमें मिल जाता है, ठीक है. इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ सॉलिड सब्सटेंस. इवेपोरेशन किस लिए यूज किया जाता है? टू ऑब्टेन अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज डिसॉल्वड इन वाटर. बेटा वाटर में जो भी सॉलिड सब्सटेंस अगर डिसॉल्व हो चुका है पूरी तरह से, जैसे सॉल्ट विथ वाटर, ठीक है, सॉल्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो चुका है, तो इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम सॉल्ट और पानी को अलग कर सकते हैं, ठीक है. इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम ये पॉसिबल कर सकते हैं, ओके. द डिसॉल्व सब्सटेंस इज लेफ्ट एज अ सॉलिड रेसिड्यू. जो डिसॉल्व सब्सटेंस है वो कैसे रह जाता है? सॉलिड रेसिड्यू के रूप में वो हमें मिल जाता है. When all the water has evaporated, जब सारा पानी जो है वो evaporate हो जाएगा तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा? वो solid substance, क्योंकि उसके अंदर तो पानी अब बचा ही नहीं, वो सारा evaporate हो गया, okay? Evaporation can be made quicker by heating the solution. Evaporation हम जल्दी कैसे कर सकते हैं? उस solution को ज़्यादा heat करके. जितना ज़्यादा हम उसकी temperature को increase करेंगे उतनी ही जल्दी उसमें water vapors होंगे और उतनी जल्दी उस पानी को वो पानी evaporate हो जाएगा और हमें जो residue जो solid वो residue हमें जल्दी से ही
मिल जाएगा. ओके, द कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. कॉमन सॉल्ट जो है जो पानी में मिला हुआ होता है वो हम इवेपोरेशन के प्रोसेस से ही उसे अलग करते हैं. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. बेटा आपको पता है सीज और ओशियंस में जितना भी पानी होता है वो सारा सॉल्टी वाटर होता है, और सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? ओशियन एंड सी वाटर से ही हमें सॉल्ट मिलता है. तो किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है? इवेपोरेशन के प्रोसेस से हमें सी वाटर को हम सॉल्ट से अलग कर पाते हैं. राइट, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. बहुत सिंपल है बेटा, ये जो है वो शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन है. सॉरी, दिस इज Yes, this is salt plus water, right? इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Heating. Heat कर रहे हैं. Okay? Heat करने से क्या होगा? ये जो जितना भी water है वो क्या हो रहा है? इसमें से evaporate हो जाता है. तो water जब यहाँ से सारा evaporate हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो नीचे हमें बचेगा वो सारा क्या होगा? यहाँ पे सॉल्ट. राइट, ठीक है. तो ऐसे पानी जब सारा इवेपोरेट होके पानी निकल जाएगा तो ऑब्वियसली जब उसके अंदर क्या मिला हुआ है? सॉल्ट मिला हुआ है. तो सॉल्ट जो है वो सॉलिड सब्सटेंस है, वो हमें रेसिड्यू के रूप में मिल जाता है. ओके, डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर मिक्सचर. द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड. अब उसमें क्या हुआ बेटा? इवेपोरेशन में पानी जो था वो तो सारा इवेपोरेट हो गया ना, वो तो सारा इवेपोरेट हो गया. उसमें हमें पानी तो नहीं मिला, उसमें हमें सिर्फ क्या मिला? सॉल्ट. और डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हमें क्या होता है? पानी भी मिलता है और सॉल्ट भी मिलता है, दोनों चीजें मिलती हैं. ठीक है, तो वाटर इज अ वॉलेटाइल लिक्विड विच फॉर्म्स वेपर ऑन हीटिंग. वाटर जो है वो क्या फॉर्म करता है? गर्म करने पे वेपर्स फॉर्म करता है. बट सॉल्ट इज अ वॉलेटाइल सॉलिड विच डज नॉट फॉर्म वेपर ऑन हीटिंग. सॉल्ट जो है वो वॉलेटाइल सॉलिड है जो गर्म करने पे स्टीम वेपर्स जो है वो नहीं प्रोड्यूस करता. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. दिस इज इम्प्योर वाटर विद सॉल्ट प्लस वाटर, राइट, ऑन हीटिंग. ओके, जब हम इसको हीट किया, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हुआ? जो ये पानी है ये इवेपोरेट नहीं हुआ बिकॉज ये बंद है. ठीक है, तो पानी सारा यहाँ पे आया इस फनल के थ्रू, ठीक है, और यहाँ से ये सारा इस बीकर में प्योर वाटर हमें इस बीकर में मिल गया. और इधर हमें जब ये सारा पानी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, तो जब ये सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होके वो हम वेस्ट नहीं कर रहे, उस पानी को भी हम अलग कर रहे हैं इधर प्योर वाटर में, दूसरे बीकर में, राइट. तो जब सारा पानी यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? हमारा रेसिड्यू, दैट इज सॉल्ट. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्ट. और यहाँ पे हमें क्या मिल गया? प्योर वाटर. तो हमने सॉल्ट को भी बचा लिया और वाटर को भी बचा लिया. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बेटा एक टेम्परेचर पे एक लिमिट होती है पानी के अंदर भी ना किसी चीज को डिसॉल्व करने की. अगर आप कभी ट्राई करना, वैसे मैं नहीं कहूंगी क्योंकि इससे वेस्टेज होता है, ठीक है, बट एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही आप उस पानी में नमक या चीनी घोल पाते हो, उसको डिसॉल्व कर पाते हो. एक लिमिट के बाद उस टेम्परेचर पे आप उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट एट दैट टेम्परेचर. जिस टेम्परेचर पे आप डिसॉल्व कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे कर रहे हैं, यानी कि आप टेम्परेचर उसका हाई कर दो, नहीं, जिस टेम्परेचर पे आपने डिसॉल्व करना स्टार्ट किया और उसी टेम्परेचर पे आप जब तक उसमें डिसॉल्व कर पा रहे हो तब तक वो क्या है? वो सॉल्यूशन बनता जा रहा है और एक पॉइंट पे आके उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा.
ठीक है, कोई भी चीज उसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, तब वो क्या बन जाएगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। जैसे दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसमें डिजोल्व होना अब बंद हो गया है, दिस इज डिजोल्विंग, ये अभी डिजोल्व हो रहा है, एंड नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, अब ये नीचे बच गया है, तो इसमें अब और इससे ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये अब बच गया है, अब इससे ज्यादा इसमें नहीं हो पा रहा है इस टेम्परेचर पे, ठीक है। सो द मैक्सिम सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, 100 ग्राम्स पानी में कौन सा ऐसा सब्सटेंस कितना डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, वो मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हम 100 ग्राम पानी में उस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अच्छा, टेम्परेचर सेम ही रहना चाहिए बेटा, जैसे अगर आप रूम टेम्परेचर में कर रहे हो तो सेम टेम्परेचर रख के ही वो कितना डिसॉल्व हो सकता है उसमें, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन वाटर इज डिफरेंट, अच्छा अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्ट की अलग होती है, शुगर की अलग होती है, ठीक है। सो कॉपर सल्फेट की अगर हम देखें तो कितनी होती है, 100 ग्राम्स पानी में 21 ग्राम्स कॉपर सल्फेट डिजोल्व हो सकता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 20 डिग्री टेम्परेचर पे, राइट। पोटेशियम नाइट्रेट कितना हो सकता है, 32 ग्राम्स। सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं वो कितना हो सकता है, 36 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, एंड शुगर 204 ग्राम्स। सोचो शुगर कितनी ज्यादा डिसॉल्व हो सकती है, राइट। और टेम्परेचर कितना रखना है हमने, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ओके। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अच्छा बेटा ये टेम्परेचर जो है ना, ये रूम का टेम्परेचर नहीं, मतलब पानी का हमें टेम्परेचर, जैसे पानी ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है वो नहीं, पानी का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस रखना है, ओके। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अच्छा हीटिंग और कूलिंग का सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट एट दैट टेम्परेचर। मैंने अभी बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अगर उसमें कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व होना उस टेम्परेचर पे बंद हो जाता है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। If the saturated solution of a substance at a particular temperature is heated to a higher temperature, अगर उस saturated solution को अगर हम उसको heat करेंगे जिस temperature पे वो है उसके temperature से, अगर हम उसका temperature बढ़ा देंगे, अगर उसे गर्म करेंगे, तो solubility क्या होती है उस substance की, बढ़ जाती है, तब हम उसमें और भी substance जो है वो dissolve कर सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्वड इन इट, और उसके बाद हम उसमें और भी वो सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो हीटिंग से क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, राइट। द इफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल्ड, अच्छा हीटिंग से तो हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, अब कूलिंग से क्या होता है, जब हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे पानी का, मतलब पानी को जब हम कूल करेंगे, ठंडा कर देंगे, तो देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या होती है सब्सटेंस की, कम हो जाती है, एंड सम ऑफ द डिसॉल्वड सब्सटेंस विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, और काफी बारी क्या होता है, जो उसमें सब्सटेंस हमने डिसॉल्व कर दिया है वो क्या होगा, एक क्रिस्टल की फॉर्म में पानी से अलग हो जाता है, अगर हम उसको कूल कर देंगे और ज्यादा ठंडा कर देंगे, तो हमने अभी क्या पढ़ा, इसमें हीटिंग करने से सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, हम उस सब्सटेंस को और ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं, और कूलिंग करने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, बल्कि वो जो सब्सटेंस है वो एक क्रिस्टल की फॉर्म ले लेता है और पानी से सेपरेट हो जाता है, राइट। लाइक दिस इन दिस पिक्चर देखो, ये क्रिस्टल की फॉर्म ले लिया है सब्सटेंस ने, और ये पानी वाटर अलग हो गया, राइट। Okay, so here we end the chapter. This is the end. So these are some important definitions, right? Like hand picking, the process of separating undesirable solid substances and impurities from useful solids by hand. Hand picking मैंने आपको बताया था, जो हमारे undesirable substances होते हैं उन्हें हाथ से हमें
पिक करके हटा देना. सीविंग मैंने आपको बताई थी, जो फ्लोर छानना. अ मेथड यूज टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विच आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. ठीक है. थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स. ये भी मैंने आपको बताया था, सबसे फर्स्ट प्रोसेस था हमारा थ्रेशिंग. विनोइंग, अ मेथड यूज टू सेपरेट लाइटर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम द हैवियर वंस बाय द विंड और ब्लोइंग एयर. ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ना, हवा के उससे ग्रेन्स क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जो क्या होता है, जो हमारा शाफ होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है, जो फॉडर होता है एनिमल्स का. ठीक है. भूसा जिसे हम कहते हैं. सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस इन विच हेवियर पार्टिकल्स ऑफ एन इनसोल्यूबल सॉलिड इन अ लिक्विड सेटल डाउन. सेडिमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच हेवियर पार्टिकल्स, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं इनसोल्यूबल सॉलिड के, वो लिक्विड में नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. डिकेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड और वाटर विच कंटेन्स द डस्ट और सॉलिड पार्टिकल्स विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट. ठीक है. लिक्विड को, पानी को पोर करना धीरे 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 धीरे, और सेडिमेंट जो नीचे जमा हुआ है उसको उससे अलग कर देना, उसको डिस्टर्ब किए बिना, उसको हिलाए बिना, बहुत ध्यान से बेटा धीरे धीरे करा जाता है. अगर हम ज़्यादा जोर से कर देंगे तो वो फिर से मड जो है, जैसे मान लो मड अगर नीचे बैठी हुई तो फिर से वो मड आ जाती है, हिल जाती है वो. ठीक है. फिल्ट्रेशन, ये भी हो गया. फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंसेज, एन इनसोल्यूबल सॉलिड एंड अ लिक्विड आर सेपरेटेड बाई यूजिंग अ फिल्टर. ओके. इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इन टू इट्स वेपर फॉर्म. एंड कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इन टू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कंडेंसेशन. राइट. सो दीज आर सम फिल इन द ब्लैंक्स. द मेथड यूज टू रिमूव ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स. ग्रेन्स को स्टॉक से रिमूव करने का मेथड को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग. सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. द एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस गेट डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. डैश पार्टिकल्स आर लाइटर देन ग्रेन्स. कौन से, शाफ्ट पार्टिकल्स. राइट. अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंसेस कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके. दीज आर सम आंसर्स इन वन वर्ड. A mixture of tea leaves and iron fillings can be separated by magnet, right? Magnet से क्या होगा, iron fillings जो है वो उसमें attract हो जाएंगी और tea leaves जो है वो अलग हो जाएंगी. In cashew nut factories, cashew nut of different sizes are separated by the process of sieving. ठीक है. What name is given to the pure substances present in a mixture? This is element. Okay. The name the method used to separate husk from wheat. This is winnowing. Insects can be separated from wheat by hand picking. Okay. The process by which water is separated from rice and pulses after washing them is decantation. Okay. So that's all for today. Unacademy subscription features के बारे में बच्चा जान लेते हैं. Learn live from the comfort of your home. आप अपने घर में आराम से बैठ के classes attend कर सकते हैं. COVID situation है, बाहर जाना भी नहीं चाहिए, right? अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग होता है, आंसर राइटिंग सेशंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है आपको, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, एंड बैच कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्राइजेस, दिस फॉर 3, 6, 12, 15, 18, 24, 36 and 48. And after applying my code, that is NB01, NB01 is my code, you will get direct 10% discount. Okay. Unacademy Iconic में क्या होता है बेटा, plus subscription के तो आपको सारे benefit मिलते ही हैं, plus उसमें क्या और मिलता है extra, personal mentor आपको provide किया जाता है, live doubt solving होता है, weekly reports होती हैं, parents के साथ connections होते हैं, study planner provide किया जाता है, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. राइट. आइकॉनिक की प्राइसिंग 3, 6, 12, 15, 18, 24, 36 एंड आफ्टर अप्लाइंग माय कोड दैट इज NB01 यू विल गेट 10% डिस्काउंट. ओके. सो
अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और आपके फ्रेंड्स जो है वो मेरी वीडियोज़ को देख सकें, ओके। सो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सो मच बच्चे, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।